अभी जो मैं चिकन बना रहा हूँ, आप इस चिकन का दीवाने हो जाएंगे। एक बार ट्राई करके देखिएगा, बहुत इजीली बनता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका शेफ तमन कुकिंग शो में। आज मैं बनाने वाला हूँ ग्रिल चिकन विथ पेपर मशरूम सॉस। ये कॉन्टिनेंटल डिश है। कॉन्टिनेंटल डिश तो आपको पता है, यूरोपियन जैसा हर्ब्स लेके बनाते हैं, ओरिगानो, चिली फ्लेक्स वगैरह बहुत सारे हर्ब्स लेकर बनाते हैं। यूरोपियन बहुत सारे देश है, उसी देश को बोलते हैं कॉन्टिनेंटल डिश। तो मैं कॉन्टिनेंटल डिश बना रहा हूँ आज, ग्रिल चिकन ग्रिल करके और उसको मशरूम और पेपर के साथ में मैं बना रहा हूँ। तो बनी रही मेरे साथ में। सबसे पहले चिकन मैरिनेशन करते हैं ग्रिल चिकन का। सबसे पहले चिकन काटें। चिकन को ज्यादा मोटा है तो आप क्या करना है, इसको 1/2 करना है। ये देखिए, इस तरीके से आपको 1/2 करना है। मैं दो पीस बना रहा हूँ, दो पीस। अब ये चिकन काट दिए मैंने। अब चिकन का आपको क्या करना है, इसको थोड़ी सी फोक से इस तरीके से कर दीजिएगा। देखिए, सारे के सारे हो गया है। अब आपको यहाँ पर मैरिनेशन करना है ग्रिल चिकन के लिए। सबसे पहले पेपर डालेंगे, क्रश पेपर। उसके बाद सॉल्ट, उसके बाद पार्सली चॉप, उसके बाद आपको डालेगा चिली फ्लेक्स, उसके बाद ओरिगानो। सब कुछ डाल दिए मैंने। अब डालना है आपको ऑयल। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद में इसको आप 1 घंटा फ्रिज में रख दीजिएगा, ताकि वो जितने भी हमने हर्ब्स वगैरह डाले हैं, वो हर्ब्स अंदर तक चला जाए। देखिए, ग्रिल चिकन के साथ में थोड़ी सी स्वादे वेजिटेबल भी जाते हैं, तो मैंने सारा कुछ काट दिए हैं। देखिए, इसमें कैरेट है, ब्रोकली है, रेड येलो पेपर है और मशरूम है। इसको आप जिस तरीके से आपको डिजाइन चाहिए तो डिजाइन काटना है, डिजाइन नहीं चाहिए तो इसी तरीके से काट दीजिएगा। और इसको करना क्या है, उबालना है। उबालने के बाद में स्वादे विजुअल में कैसे बनाते हैं आपको अभी दिखाऊंगा। ये जो मशरूम सॉस मैं बना रहा हूँ, पेपर मशरूम सॉस, ये ब्राउन सॉस से बनता है। हम लोग होटल में क्या करते थे कि हड्डी को बेक करके उसको, सॉरी, हड्डी को ओवन में लगा के जला के फिर उसको उबाल के और रू डाल के बहुत सारे मेहनत लगता है। लेकिन आप लोगों को मेहनत करने का जरूरत नहीं। मैं बहुत आसान तरीका और बहुत ही मजेदार टेस्ट के साथ में बना के दिखाऊंगा। बनी रही मेरे साथ में। इतना लंबा चौड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। तो मशरूम पेपर सॉस बना रहे हैं तो मशरूम तो चाहिए ही। मशरूम काटते हैं। देखिए, चिकन 1 घंटे फ्रिज में रख दी है। 1 घंटे रखने के बाद में देखिए, इस चिकन को इस तरीके का होना चाहिए। पार्सली उसी सब कुछ डाल दी मैंने पहले आपको बता दिया। अब चलते हैं हम चिकन को ग्रिल करने के लिए। तो चिकन को ग्रिल करने के लिए आपको थोड़ी सी ऑयल तो डालना पड़ेगा फ्राई पैन में। देखिए, चिकन रेडी है, इस तरीके से हो जाएगा। तो आपने बनाते हैं पेपर मशरूम सॉस। तो आप ऑयल, ऑलिव ऑयल यूज कर लीजिएगा पेपर मशरूम सॉस बनाने में। थोड़ी सी ऑलिव ऑयल, गार्लिक, उसके बाद मशरूम, ये देखिए मशरूम रेडी है। अब आपको यहाँ पे डालना है स्टॉक वाटर। ये देखिए, ये हेवी ग्लेज पाउडर है, यही आपको मार्केट से खरीदना है। यही ब्राउन सॉस, इसी से ब्राउन सॉस बनता है। ये बहुत ही मजेदार टेस्ट होता है। आप किसी भी डिपार्टमेंट स्टोर में जाकर बोलिएगा हेवी ग्लेज पाउडर चाहिए तो वो आपको दे देगा। तो अभी हमने पानी डाल दिया है, स्टॉक डाल दिया। आप डालने जाएंगे हेवी ग्लेज पाउडर, 1.5 टीस्पून बहुत है एक पोर्शन के लिए। ये देखिए, जैसे मैंने डेमी ग्लेज पाउडर डाला, देखिए कलर चेंज हो गया आपका। ये देखिए, कलर चेंज हो गया, बिल्कुल पेपर सॉस में आ गया है। अब डालना है आपको यहाँ पर क्रश पेपर, सॉल्ट, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, ये लीजिए।
आपका पेपर मशरूम सॉस ऑलमोस्ट रेडी है। अब बनाते हैं सौते वेजिटेबल। देखिए पेपर सॉस अभी रेडी नहीं हुआ है, जाइएगा नहीं, केवल हमने बना दी है, अभी फिनिशिंग टच बाकी है। तो अब बनाते हैं सौते वेजिटेबल। सौते वेजिटेबल जो है बेसिकली कई लोग बटर डालते हैं, कई ऑलिव ऑयल में बनाते हैं, मैं ऑलिव ऑयल में बना रहा हूँ। बटर डाल के बना सकते हैं, बटर डालते हैं जैसे जैसे मैं डाल दीजिए, मैं ऑलिव ऑयल डालता हूँ, बटर डाल दीजिएगा, बटर में भी बहुत अच्छा स्वाद आता है। तो स्पाइसी करने है तो आप चिली फ्लेक्स डाल दीजिएगा, स्वादे वेजिटेबल। स्पाइसी नहीं करना है तो सॉल्ट पेपर बस उतना ही काफी है। तो बनाते हैं स्वादे वेजिटेबल। गार्लिक डालने के बाद में आपको जितने भी स्वादे वेजिटेबल है यहाँ पे डाल दीजिएगा बॉइल करने के बाद में। सॉल्ट, क्रश पेपर और थोड़ी सी ओरिगानो, ये लीजिए आपका स्वादे। देखिए स्वादे वेजिटेबल भी रेडी है और आपका मशरूम सॉस भी रेडी है। तो अब जो ग्रिल चिकन, हमने जो चिकन ग्रिल किया था उसको मैंने सजा भी दिया है। अब करना क्या है, ग्रिल चिकन जहाँ पे सजाया था उसको ऊपर में आपको मशरूम सॉस डालना है, स्वादे वेजिटेबल भी जैसा आप अपने हिसाब से साइड में रख दीजिएगा, जैसे आपको गार्निश से या किसी को प्रेजेंटेशन देना है तो अच्छी तरह से साइड में स्वादे वेजिटेबल सजा के दे दीजिएगा। तो अब यहाँ पे मशरूम सॉस डालने जा रहा हूँ मैं। ये देखिए दोस्तों, आप अपने हिसाब से स्वादे वेजिटेबल साइड में सजा दीजिएगा, गार्निश अच्छी तरह से कर दीजिएगा, मशरूम सॉस इसे ऊपर से डाल दीजिएगा। तो आपके सामने बना के दिखाया है, तो अगले वीडियो तक के लिए।